गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम वेजिटेबल पेस्ट पढ़ रहे थे। वेजिटेबल पेस्ट में आज के हम जो पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है मेलन फ्रूट फ्लाई या कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हैं। मेनली जो कुकुरबिटी फैमिली जो है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, उसके जितने भी अंदर क्रॉप्स आती हैं उन सब के अंदर ये कॉमन पेस्ट है। एक पेस्ट हमने पढ़ा था मैंगो के अंदर, है ना, मैंगो फ्रूट फ्लाई। सेम है मैंगो फ्रूट फ्लाई के जैसे ही सिम्टम्स हैं इसके, नाम थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है, लगभग डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज भी सेम है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मेलन फ्रूट फ्लाई की, ठीक, मेलन फ्रूट फ्लाई की। अब मेलन फ्रूट फ्लाई के सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक नेम की। तो इसका नाम है बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी, और जो हमने आपको याद हो तो मैंगो के अंदर जो पढ़ा था उसका नाम क्या था, बैक्ट्रोसेरा डोरसेलिस। तो नेम थोड़ा सा चेंज है, बाकी नेचर ऑफ डैमेज भी लगभग सेम है। तो साइंटिफिक नेम है इसका बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। फैमिली है इसकी टेफ्रिटिडी और ऑर्डर है डिप्टेरा। तो डिप्टेरा ऑर्डर है। डिप्टेरा ऑर्डर की मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि जैसे ही किसी ऑर्डर का नाम आए तो हमें चार पांच चीज़ें जो कॉमन है वो दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्टेरा ऑर्डर की। तो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर है वो क्या है कि इसमें क्या होता है, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होगी, फोर। लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी। अब चार स्टेज कौन कौन सी होगी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और तीसरी जो चीज़, इसका जो लार्वा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैगट। इसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। नेक्स्ट जो डैमेजिंग स्टेज जो होती है इसकी वो कौन सी होती है, मैगट ही होती है। यानी कि जो लार्वा स्टेज है वो ही इसका जो है वो नुकसान पहुंचाती है, एडल्ट इसकी नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके माउथ पार्ट्स की, तो माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं इसके, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी क्या है, कॉमन चीज़ें हैं जो इस ऑर्डर का नाम आते ही हमें ध्यान में आनी चाहिए, जो कि हमारे क्या है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर इसी से हम इसके मैनेजमेंट के बारे में या इसके नेचर ऑफ डैमेज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो फिर बात करते हैं होस्ट प्लांट्स की। तो होस्ट प्लांट्स के जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जितनी भी क्रॉप्स आती है, जितने भी आपके मेलॉन्स वगैरह है, उन सबको क्या है, ये नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली जो है ना, उसके जितने भी उसके अंदर क्रॉप्स आती है सबको नुकसान पहुंचाती है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, क्षति प्रवृत्ति। नेचर ऑफ डैमेज को हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, क्षति प्रवृत्ति, ठीक है। यानी कि ये जो पेस्ट है ये नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है ना, इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कौन सी होती है, मैगट, है ना, मैगट जो होती है वो इसकी डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एगलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका जो फीमेल्स होती है, ठीक है, डिप्टेरा के अंदर फीमेल आती है, तो फीमेल जो होगी इसकी, है ना, फीमेल जो होगी वो क्या करेगी, जो फ्रूट जो होता है, ठीक है, फ्रूट जो होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्रूट है मेलन का, ठीक है, तो इस फ्रूट के अंदर ये जो इसकी आउटर स्किन जो होती है, यानी कि बाहर वाली जो फ्रूट की स्किन जो होती है, इसके ऊपर बैठ के वो क्या करती है, जो ओविपोजिटर होता है, ठीक है, यहाँ से क्या है, वो ओविपोजिटर को इंजेक्ट करती है। ओविपोजिटर क्या होता है सबको पता है, तो ओविपोजिटर से क्या होती है, वो स्किन के अंदर ओविपोजिटर को इंजेक्ट करती है। इंजेक्ट करने के बाद यहाँ ये जो स्किन होती है फ्रूट की, इसके नीचे यहाँ पर फ्रूट पल्प के अंदर, ठीक है, फ्रूट का जो पल्प होता है उसके अंदर एग्स देती है, ठीक है, यहाँ पे एगलिंग होती है इसकी। यानी कि फ्रूट की जो स्किन होती है, स्किन के जस्ट नीचे जो फ्रूट पल्प होता है वहाँ पे इसकी एगलिंग होती है। एग्स जो है वो सिंगली भी दिए जाते हैं, यानी कि एक एक करके भी दिए जाते हैं, या फिर ग्रुप में भी दिए जाते हैं, ठीक है, 4 से 10 के लगभग ग्रुप के अंदर एग्स दिए जाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, सबसे पहली बात तो जब ये एगलिंग करती है, ठीक है, एगलिंग करने के बाद यहाँ पे जो होल बनता है, ठीक है, जो छेद बनेगा वहाँ से क्या होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का क्या है, एक लिक्विड निकलता है।
जहाँ पे ये होल बनाती है, उस होल से क्या है, फ्रूट से क्या है, ब्राउन कलर का एक लिक्विड बाहर निकलता है, और ये लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर ही क्या है, सूख जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक खुरंट सा बन जाता है, ठीक है। ड्राई होके वो यहाँ पे जब इसके ऊपर ही सूख जाता है तो वो खुरंट सा बन जाता है। प्लस अब जो एगलिंग इसने की है, यानी कि जो एग्स दी हैं, इन एग्स से जब मैगेट बाहर निकलते हैं, ठीक है, इससे जब ये मैगेट बाहर निकलेंगे तो ये मैगेट क्या करते हैं, इसके फ्रूट पल्प को अंदर ही अंदर इसको फीड करते रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया माउथ पार्ट कैसे होता है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, तो इसको बाइट करके खाते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अंदर का जो पार्ट है वो खा जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये फीड करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ ये फीड करते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लैकनिंग होने लग जाती है, यानी कि अंदर से जो फ्रूट है वो काला पड़ने लग जाता है जहाँ जहाँ से ये फीड करता है। प्लस होता क्या है, मान लीजिए इस जगह से ये फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का अगर ये पोर्शन ये खा जाते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कमी हो जाएगी, कमी होने की वजह से फ्रूट जो है वो थोड़ा बेंट हो जाता है, यानी कि फ्रूट जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से बेंट हुआ हो जाता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये फीड कर रहा है। देखा होगा आपने मार्केट में बहुत बार, हम जब मेलन्स वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर छेद बना होता है, और उस छेद वाली सतान से क्या होता है, वो मुड़ा हुआ होता है फ्रूट ऊपर की तरफ, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई की वजह से। तो ये इसका क्या है, नेचर ऑफ डैमेज है। इसके बाद यहाँ से जब इसके अंदर ही फीड करते हुए ये जो है ग्रो होता रहता है, और जैसे ही जो मैगेट है वो पूरी तरह ग्रो हो जाता है, तो उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। तो प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है, ये इस फ्रूट से बाहर आएगा, बाहर आके ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद वहाँ पर जो भी लीव्स वगैरह पड़ी हुई है, जो कचरा पड़ा हुआ है उसके नीचे, या फिर सोइल के अंदर, ठीक है, या फिर क्या होता है, सोइल के अंदर ये कुछ गहराई पर जाके, लगभग 6 इंच की गहराई पर जाके ये क्या करता है, वहाँ पे इसकी प्यूपेशन होता है, ये प्यूपा में बदलती है, और उसके बाद वहाँ से जो एडल्ट फ्लाई जो है वो निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कॉमन इसका नेचर ऑफ डैमेज है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके जो मैगेट है, तो इसके मैगेट्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते, है ना, विंग्स नहीं होते उनके। तो ये क्या करते हैं, एक फ्रूट में डैमेज करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा जंप करते हैं, जंप करके नेक्स्ट जो पास वाला जो भी फ्रूट होगा उसके ऊपर जो है ये वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या है, डैमेज करते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये लगभग धीरे धीरे जो है कई बार तो पूरी क्रॉप जो है उसको नुकसान पहुँचा देते हैं, और कुछ बार तो ऐसा होता है, कई बार ही क्या होता है कि ये फ्रूट जहाँ से लगा हुआ होता है प्लांट के, ठीक है, जहाँ से अटैच रहता है प्लांट के, ये जो डंटल है ये क्या है, कई बार येलो हो जाता है, पीला पड़ जाता है, और पीला पड़ के ये फ्रूट जो है ये यहाँ से कट हो जाता है, और कट के क्या होता है, सीधा नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इससे पहले पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो ही ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल के अंदर मैंने आपको बता दिया पहले ही क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसका मतलब क्या, चार स्टेज होती है। अब चार स्टेज कौन कौन सी होती है, एग, मैगेट, प्यूपा या एडल्ट, मैगेट या लार्वा, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग स्टेज की बात करेंगे, तो एग मैंने आपको बताया अभी कि कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर, फ्रूट पल्प के अंदर एगलिंग होती है इसकी। फीमेल जो होती है वो फ्रूट की जो आउटर स्किन होती है उसके अंदर अपना ओविपोजिटर इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या होती है, एगलिंग देती है। एगलिंग सिंगली या ग्रुप के अंदर होती है, 4 से 10 के ग्रुप के अंदर हो सकता है। और एग्स जो होते हैं वो ब्राइट एंड येलो, यानी कि चमकीले वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, और साइज इसका होता है 0.6 mm के आसपास। और एक फीमेल जो होती है अपने लाइफ साइकिल के अंदर लगभग 300 एग्स जो है वो देती है ना, एक जो फीमेल होती है उसके लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट मैगेट या फिर लार्वा की। तो इसके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और इसकी खास बात क्या है कि ये आगे की तरफ से तो क्या होते हैं, थोड़े से पतले होते हैं, एक्यूट होते हैं, और धीरे धीरे पीछे की साइड से क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इनका जो साइज है वो ज़्यादा होता है, या कहने का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। एक्यूट फ्रॉम वन साइड, और नेक्स्ट साइड जो पीछे की साइड होती है वहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा वाइड होता है। साइज इसका होता है लगभग 1 mm के आसपास, और इसका बॉडी जो होती है वो 11 सेगमेंट्स के अंदर बटी होती है। शरीर जो होता है वो 11 खंडों में विभाजित होता है, और फर्स्ट और लास्ट जो सेगमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक एक जोड़ी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं,
यानी कि श्वसन छिद्र होते हैं, एक तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है वहाँ पे और एक लास्ट सेगमेंट पे, एक एक जोड़ी क्या होते हैं स्पायरिकल्स होते हैं, या फिर बात करें श्वास छिद्र होते हैं। लेग्स नहीं होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, नो लेग्स। साइज इसका होता है फुली डेवलप्ड, जब होता है ये तो होता है स्टार्टिंग का, जब ये एक से बाहर आता है, जब ये फुली डेवलप हो जाता है तो इसका साइज हो जाता है 19 mm, तो लेंथ, और 2 mm इसकी होती है विड्थ लगभग। और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डल कलर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मटमेला कलर हो जाता है। फिर बात करेंगे प्यूपा की, तो जब ये फुली डेवलप हो जाते हैं मैगेट, तो ये फ्रूट से बाहर आते हैं, बाहर आके सोइल के ऊपर गिरते हैं, और सोइल के ऊपर या तो जो भी वेजिटेशन वहाँ पे पड़ी हुई है या फिर जो लीव्स वगैरह है वहाँ पे क्या होता है ये उसके नीचे ये प्यूपा में बदलता है, या फिर कुछ गहराई तक सोइल के अंदर लगभग 6 इंच की गहराई पर जाके ये क्या करता है, ये उसके अंदर प्यूपेशन में बदलता है विद इन सोइल। और इसका जो साइज होता है वो 5.5 mm लेंथ और 2 mm लगभग इसकी विड्थ होती है। एक्यूट फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रंट साइड से एक्यूट यानी पतला होता है, और वाइड होता है लास्ट एंड से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब बात करेंगे एडल्ट की, ठीक है। एडल्ट जो होती है इसकी वो क्या होती है, फ्लाई होती है, यानी कि एक मक्खी की तरह होती है। कलर होता है इसका रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है। साइज होता है इसका 7 mm, तो लेंथ होती है, और 3 mm विड्थ होती है। और जो विंग्स का वेनेशन है, यानी कि पंखों का जो फैलाव है, सॉरी स्प्रेडेशन जो है, विंग का स्प्रेड जो होता है वो क्या होता है 14 mm तक, 14 mm तक जो है वो पंखों का फैलाव होता है। विंग्स होती है इसकी ट्रांसपेरेंट, कैसी विंग्स होती है, ट्रांसपेरेंट विंग्स होती है, और एक जोड़ी विंग्स होती है। ये डिप्टेरा में सभी ऑर्डर्स में होता है। एक जोड़ी का कहने का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है इंसेक्ट के अंदर 2 जोड़ी विंग्स होती है, लेकिन यहाँ एक जोड़ी, तो एक जोड़ी का मतलब एक जोड़ी नहीं है। यहाँ पे फ्रंट जो विंग होती है वो तो फुली डेवलप्ड होती है, ठीक है, लेकिन जो हाइंड विंग्स जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है किस में, हाल्टर्स में, ठीक है। यानी कि पंख जो है वो सिकुड़ के छोटी सी आकृति में होती है, जिनको क्या बोलते हैं, हाल्टर्स बोलते हैं। ये क्या करती है, ये फ्रंट विंग्स के साथ एक एंगल में रहती है, जब ये फ्लाई करती है, जब उड़ती है उस समय ये इसको क्या है, स्पोर्ट देती है, या फिर उड़ने में जो है वो मदद करती है, इनको क्या बोलते हैं, हाल्टर्स बोलते हैं। तो 4 विंग्स होती है, इसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप यानी काली जो है, काले रंग की क्या होती है, धारियां पाई जाती है विंग्स के ऊपर। एंटीना होती है एरिस्टेट टाइप की, एंटीना होती है इसके अंदर, और माउथ पार्ट्स होते हैं स्पॉन्जिंग टाइप के, ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई में होते हैं। और जो इसका मेसोथोरैक्स जो होता है, थोरैक्स 3 भागों में बटा होता है ना, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मेसोथोरैक्स वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर 3 येलो कलर की चमकीली जो है वो लाइंस पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है, ठीक है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो ये मैंने अभी आपको वैसे बता दिया। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है उस समय क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। और अगर बात करें समर सीजन की, तो उस कंडीशन में जो है लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, यानी कि जल्दी से पूरा हो जाता है। इसका अगर बात करें डैमेज का, तो नॉर्मली इसका जो डैमेज है वो स्टार्ट होता है मार्च के फर्स्ट वीक से लेके और नवंबर तक, नवंबर का जो मंथ होता है वहाँ तक कंटिन्यूसली इसकी जनरेशन चलती रहती है, इसका जो है लॉस होता रहता है। फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल नहीं चल पाती, इसलिए क्या है फरवरी या मार्च से स्टार्ट होकर नवंबर तक चलता है। और अगर बात करें इसके स्टेज के टाइम की, तो एग जो होता है, एग लेइंग होने के बाद उससे 2 से 9 दिन के बाद, अब ये 2 से 9 दिन का जो गैप है इतना बड़ा, ये क्या डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर, ठीक है। यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, ह्यूमिडिटी भी हो, उस समय क्या होता है, इसका जो डैमेज है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो टेम है ये क्या डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का जो है वातावरण है, या फिर उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, कम है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है। ऐसे ही अगर बात करें लार्वा या मैगट की, तो समर सीजन के अंदर तो क्या होगा, 7 से 8 दिन के अंदर, और विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, लगभग 20 से 21 दिन का समय लग जाता है लार्वा से प्यूपा में बदलने के लिए, ठीक है।
फिर जो प्यूपा बनेगा, प्यूपा में भी सेम है, 6 से 9 दिन होता है समर सीजन में, और विंटर सीजन में क्या होता है 20 से 30 दिन का टाइम लगता है प्यूपा से एडल्ट बाहर निकलने में। फिर एडल्ट निकलता है, एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 6 से 7 दिन से बाद वापस से क्या होती है एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल इसका 20 to 66 डेज के अंदर लगभग पूरा हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके लाइफ की या जनरेशन की, तो इसकी अभी मैंने आपको बताया जिसे मैनी जनरेशन्स पाई जाती है, बहुत सारी जनरेशन इसकी पाई जाती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होता है। अब बात करेंगे इसके, ये जो डायग्राम्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इसकी फीमेल है जो कि फ्रूट की जो स्किन है इसके अंदर क्या है ओविपोजिटर को इंजेक्ट कर रही है, ये दिख रहा है सबको, यानी कि ये क्या ओविपोजिटर को इसके अंदर इंजेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, कुछ डायग्राम्स बताए गए हैं, जैसे ये एग्स है, एग्स के बाद ये लार्वा है, थोड़ी ब्लैक एंड वाइट पिक है शायद दिख रहा है, पता नहीं मेरे को, लेकिन ठीक है, ये एग्स है, ये इसका लार्वा है, इसके बाद ये प्यूपा है, और इसके बाद यहाँ से ये जो प्यूपा होता है, प्यूपा का जो खोल होता है उसको बाहर निकाल के, और ये क्या है इसकी जो एडल्ट फ्लाई है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है लाइफ साइकिल के हैं अगर डायग्राम्स की बात करें। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, डीप्लॉइंग करेंगे, यानी कि समर सीजन के अंदर हम क्या करते हैं गहरी जुताई करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि इसका प्यूपेशन कहाँ होता है, सोइल के अंदर होता है, तो सोइल के अंदर इसकी जो प्यूपा जो स्टेज होती है, जो हिडन स्टेज होती है वो क्या है बाहर निकल जाती है, बाहर निकल के ये डायरेक्ट जैसे ही जो सनलाइट होती है उसके टच में जैसे ही आएगी तो ये एक्सपोज हो जाएगी और वो क्या हो जाते हैं किल हो जाते हैं, इनसे एडल्ट बाहर नहीं निकल पाते। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट तो क्या है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय अफेक्टेड फ्रूट्स, यानी कि जो भी अफेक्टेड फ्रूट्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, अगर वो ज़्यादा ख़राब हो गए तब तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं इन फ्रूट्स को हम क्या करते हैं कि जो ऑयल होता है इन फ्रूट्स को क्या करते हैं हम जो मिट्टी का जो तेल होता है ना केरोसिन जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी के तेल के अंदर हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, केरोसिन के अंदर, केरोसिन को वाटर के साथ मिक्स करके उसके अंदर हम क्या करते हैं इसको फ्रूट्स को रखते हैं, इससे क्या होगा जो भी इसके स्टेज इसके अंदर रहती है फ्रूट के अंदर वो क्या हो जाती है किल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर बात करेंगे नेटिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये हमने पहले उसके अंदर भी पढ़ा जो हमने अनार बटरफ्लाई पढ़ा था, तो नेटिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है कि फ्रूट जो होगा उस फ्रूट को हम क्या करते हैं कवर कर देते हैं, फ्रूट जो है मान लीजिए ये फ्रूट है, अगर पॉसिबल हो सके इस फ्रूट को हम क्या करते हैं बाहर से इसके क्या कर देते हैं नेटिंग कर देते हैं इस फ्रूट के बाहर, ऐसे अगर जाली बना देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा जो फीमेल होगी वो यहाँ पे एगलिंग नहीं कर पाएगी, ओविपोजिटर को इंजेक्ट नहीं कर पाएगी, जब एग्स ही नहीं दिए जाएंगे तो बाकी स्टेज तो कैसी कंप्लीट होगी, तो इसके अंदर ये जो है नुकसान नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिट्रोनेला ऑयल, इसको यूज़ किया जाता है, सिट्रोनेला ऑयल किसको बोलते हैं जो ऑरेंज या फिर बात करें संतरे का जो ऑयल होता है उसको बोलते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम एज ए ट्रैप यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सोरगम सूट फ्लाई के अंदर हम क्या करते हैं फिश मील ट्रैप यूज़ करते हैं, कि मछली का जो चूरा होता है उसको पानी के अंदर मिक्स करके जो क्रॉप होती है वहाँ पे जाके रख देते हैं, उससे क्या होगा उसकी तरफ उसकी जो ऑर्डर होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है सूट फ्लाई और फिर उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही क्या होगा सिट्रोनेला ऑयल की जो खुशबू होती है इसकी तरफ क्या होते हैं जो मेल जो फ्लाई होगी वो क्या अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या है ये जो ऑयल पानी के अंदर रहता है तो इस पानी के अंदर वो गिर के मर जाती है किल हो जाती है, या फिर क्या करते हैं हम इनके लिए एक पॉइजन बाइट तैयार करते हैं, यानी कि खाने के लिए कुछ विषैला पदार्थ हम इनको रखते हैं। अब इसके लिए इसका रीज़न क्या है कि ये जब एगलेइंग जब करती है, ठीक है, जब एगलेइंग होती है तो एगलेइंग करने से पहले ये क्या करती है काफ़ी मात्रा में इनको पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस पॉइजन बाइट को अगर रख देते हैं तो मजबूरन वो क्या है इसको फीड करेगी या खाएगी या पिएगी तो इससे क्या होगा वो किल हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो हम बात करेंगे, सबसे पहली तो है प्रोटीन हाइड्रोसिलेट, प्रोटीन हाइड्रोसिलेट जो है उसको यूज़ करते हैं, और मेलाथियन जो है 50
जो परसेंट वेटेबल पाउडर जो होता है घुलनशील चूर्ण, उसको 200 ग्राम उसकी मात्रा यूज़ करते हैं, और वाटर 10 से 20 लीटर इसका एक घोल बनाते हैं। घोल बना के इसको क्या करते हैं, हम जहाँ भी वेजिटेबल्स वगैरह है, नर्सरी वगैरह है, वहाँ पे हम इनको रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो इसको फीड करेगी तो वो किल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बात करें हम तो कुछ स्टेराइल टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। स्टेराइल किसको बोलते हैं, बंद्यता को, है ना। जो कुछ रसायन होते हैं बंद्य रसायन, जो क्या करते हैं, जो मेल या फीमेल्स जो होती है उसके जितने जो एग्लेइंग की या बात करें रिप्रोडक्शन की या जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी जरूरी हार्मोन्स वगैरह होती है उनको ये क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। इससे क्या होगा, इनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेराइल केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल है टेपा मेटेपा या फिर एफोलेट्स, ये क्या है, कुछ केमिकल्स हैं जो क्या है स्टेरिलिटी लाने के लिए काम में लिए जाते हैं इनके अंदर। फिर कुछ केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, अगर मान लीजिए डैमेज ज़्यादा हो गया और हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स जो हैं उनको डायरेक्ट स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, जैसे मेलाथियन 50 EC या फिर कार्बेरिल या फिर DDVP का जो घोल है इनको क्रॉप के ऊपर क्या है स्प्रे करते हैं। इसकी जो मात्रा दी गई है ये पर हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ नेचुरल एनिमीज़ हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल एनिमीज़ हैं यानी कि प्राकृतिक शत्रु है जिनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो है ओपियस फ्लेचरी और सेकंड है ओपियस कंपेंसेंस, इसके अलावा और भी बहुत हैं। तो ये दोनों क्या है, लार्वल पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये क्या करती है, जो लार्वा स्टेज जो होती है इसकी उसके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं और इस लार्वा को ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या है, एज ए बेनिफिशियल हमारे लिए साबित होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो आपका था ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसके अंदर हम नेक्स्ट किसी जो है पेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।